पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें जोर दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। इन दिनों महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेते हुए हम लोग 18वें अध्याय के शुरू शुरू में शायद ये पांचवे श्लोक है प्रवेश किए हुए हैं, जहां भगवान ने कहा और तो कुछ छोटे से छोटे पर ये तीन गुण हमारे से नहीं जाने चाहिए। अंतःकरण को निर्मल करने के हिंदू धर्म के अनुसार बड़े चोटी के साधन है यज्ञ पर प्रकाश बोलो नहीं मेरी देवी अब आने का लाभ बताओ। यज्ञ पर प्रकाश डाल दिया गया कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें स्वार्थ ना हो और कुर्बानी के साथ किया जाए उसे भगवान जी यज्ञ कहते हैं। ये अंतःकरण को बड़ी जल्दी विश्वास लाइए निर्मल कर देता मेरा कर्तव्य है मैंने करना है आगे भगवान जाने ये तकिया कलाम बन जाए हम सबका। अब वाणी मेरा कर्तव्य में भगवान की वाणी आपको सुनाओ बस आगे भगवान जाने ये भाव ये हो आगे भगवान जाने मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस तरह जैसे घर में आपका मुकाम होता है मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी दाल बना के आ गई हूँ और जो है मेरे पास सिलेंडर जल्दी रोटियां पका दूंगी आगे भगवान जाने ये जो मेरा कर्तव्य है मैं निभाना है। आपका कहते मैं स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ता हूँ जितनी मेरे से बस आगे मेरे प्रभु जाने सच्चाई मानना मैं वाणी से सत्य कह रहा हूँ मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। सत्य मानना मेरी माताओं मेरी बेटियों बुजुर्गों मेरे भाइयों बड़े खुश होते हैं। बहुत ही पसंद जिसने इस बात को पक्का कर लिया है तुझे काम करना है अगर नहीं किया थप्पड़ मार के अपने मुंह पर चार चार दो इस गालों पर दो इस गाल पर पक्का कर बड़ा मैं सुख पा रहा हूँ और बहुत आराम पा रहा हूँ भगवान की वाणी को अपने मन में बसाकर करणीय अधिकार थे माँ फले शुक्र इस फल की चरण ने जो माँ बाप ने गलती की जो मैं बताया नहीं बड़ी बार उनको पता ही नहीं था बिचारों को ये तो पाठ शुरू से ही पता होना चाहिए बेटी कर्म भूमि में आया है और मनुष्य योनि क्या है कर्म प्रधान योनि बाकी सारियां योनियां क्या है खाओ पियो भोगो जितने भी आप नजर मारोगे मेरी देवियों खाओ पियो बच्चे बनाओ भोगना मतलब बच्चे बनाओ किसी भी योनि को देख लो आप 84 लाख योनियां हमारी एक योनि 83 लाख बाकी रह गए सब यही उन्हें और कोई समझ नहीं हमारा भला किसमें है बुरा कोई पता नहीं किसी योनि को पता नहीं। यहां तक मैं आपको हैरान कर दूं देवता भी नए सिरे से पुण्य नहीं कमा सकते अपने किए हुए पुण्यों का फल पा रहे हैं। कुछ पूछ लो तो पूछ लो है बाबा ओ बाबा देवता नए सिरे से पुण्य नहीं कमा सकते ये व्यास जी ने खोज निकाला अपने पुराने पुण्यों का फल पा रहे हैं जबकि आप नए सिरे से जैसी चाहे पुण्य कमा लें पुराने का फल भी पाएंगे आप जिसे प्रारब्ध कहते हैं और नए सिरे से भी आप पुण्य कमा सकते हैं देवता नहीं कमा सकते। देवता अपने पुराने पुण्यों का फल पा रहे हैं जैसे रिटायर आदमी अपने पुराने जो बचाया हुआ धन और रिटायरमेंट आ रही है उसी का लाभ उठाता है जो रिटायरमेंट आ रही उसको माने तो मिलता है 800-900 रुपया पर मंथ और कुछ पुराना धन इकट्ठा है उसी का नया सिरे गवर्नमेंट की सर्विस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ओवर एज हो चुकी तो आप कितने बच्चे पर आप फिर लेकर नए सिरे से पुण्य कौन कमाएगा जिनका आपकी तरह सतगुण बड़ा हुआ एक एक रास की बातें मेरे से जैसों से जान लो जब तक मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है जान मेरे बच्चे ये रास की बात है ये पकड़ लो जितना हो सके पुण्य कमाओ जितना हो सके पर हमारे हिंदू धर्म में ये पांच पुण्य है कौन से प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देना मुझे पूरी उम्मीद है सब मेरी देवियों ने मेरे सज्जनों ने बना ली होगी आदत 2 बजे 2:30 बजे उठ बैठा उठते ही आपको शौच आना चाहिए
पेट साफ हो जाए, गैस गंदी निकल जाए सारी, उसके बाद फिर दातुन खुलना या जो भी आप पुरुष मारती है गुड, फिर उसके बाद स्नान कर लीजिए, पवित्र हो गए शरीर से। अब बैठो भगवान के चरणों में, प्रभु शरीर को पवित्र करना तो मेरा धर्म था, मैंने पूरा कर दिया, अब आपके चरणों में हाजिर दे रहा हूं, अंतःकरण को पवित्र करना आपका धर्म। स्पष्ट कहो भगवान से, मैं तो अपने शरीर को पवित्र करके आ गई हूँ, स्नान किया, नहाया, धोया, मल मूल निकाल दिया अपने अंदर से, मेरे अंतःकरण को पवित्र करो मेरे प्रभु। आपने जाप बैठ के जाप पर जाओ, और जब तक जाप करो आपने कोशिश करो कि मक्खी मच्छर ना आए, बार बार हाथ ना उठे हमारा, फर्क पड़ेगा। हाथ जैसे आपने ये होता है हाथ रखने का तरीका, उंगलियों को बिल्कुल बीच में मत डालो, ये थोड़ा सा इधर हटा के और तौलिए की चार तय लगा के अपने आगे रख लो, क्योंकि ये हड्डियां थक जाता आपका, तो ये कह के यूं बिछाती और अपनी ये ब्रीड की हड्डी कस के बैठ जाओ, कम से कम आधा घंटा तो बैठ जाओ, और अपनी वृत्ति ये बीच में जहां टिक्का लगाते हैं जाप में शुरू हो जाओ। तारो मेरे दाता मुझे भी, तारो मेरे मालिक मेरा भी कल्याण कर, ले तेरे चरणों में हाजिर दे रहा हूं मेरे मालिक। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, जिसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के चरणों में हाजिर देना। ब्रह्म मुहूर्त को अंग्रेजी बोलती है डिवाइन आवर, वही एक दो तीन घंटे हैं जिसको हम डिवाइन आवर या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, भगवान जी के जाप का भजन का समय। दूसरा हमारे हिंदू धर्म में बड़ा भारी पुण्य कमाओ पुण्य रज के उठ के, दूसरे घर सत्संग मिलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गीता जी का बार बार अध्याय पढ़ो, तेरे सत्संग में आ सको तो क्या कहने आपके, नहीं तो फिर बारवा अध्याय घर में पढ़ लो, लेकिन एक श्लोक दो श्लोक समझ के अपने पर अप्लाई करो। जैसे घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, मीठा बनता है, किस लिए? आपके लिए बनता है। अगर आपने बनाया तो फिर बच्चों को खिला के आप करेंगे, घर में भोजन हमारे लिए बनता है ना। हाँ, इसी तरह जो आप, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, जो भी आप पढ़े तो ये समझे ये मेरे लिए है, मेरे में मेरे मेरे पर अप्लाई होता है, तब तो आपका पढ़ना बड़ा सफल हो जाएगा। ये नहीं किसी ने रास बताई, पढ़ लिया बैठ के रोटी खा ली, खराब। मैं ये करूं ये मेरे पर अप्लाई होता है, ये जो भी कह रही है मेरे प्रभु जी, ये तो मेरे लिए कह रही है, हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों के लिए बड़ा भारी पुण्य है। दूसरा सत्संग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी, जैसे ये सत्संग में सुनाता हूं भगवान जी की वाणी, आप पे अप्लाई होता है, आप पे लागू हो जाएगा कि नहीं? ऐसे कोई नियम गवर्नमेंट बनाती है, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे क्या नागरिकों पर लागू होता है, सब हिंदवासियों पे लागू हो जाता है, कोई भी नियम बन जाए हम सब हिंद में रहने वालों पर लागू हो जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान ने जो नियम बनाया कल्याण कामी सारे जीवों पे लागू हो जाता है, तो हम देखे ये मैं अपना रहा हूं कि नहीं, ये दूसरा पुण्य। तीसरा पुण्य, चलते फिरते मारो एड़ी का चोटी का जोर हर समय भगवान का, अगर इसी जन्म में तर जाना जो फिर नारी नूरी नर नहीं बनना, फिर किसी गर्भ में नहीं आना हो मेरे कमले जमले जी, तो देखिए हमारे हिंदू धर्म ने बड़ा जोर दिया, हमारे अनुभव भी बड़ा हर समय भगवान का चिंतन है। जब पता लग गया ये चीजें अनित्य दुखदाई, फिर इनका चिंतन क्यों, मना लो अपने मन को मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे, समझ आ गई ये अनित्य दुख, नजर भी आ रही है और दुखदाई, जो चीजें अनित्य होती है यदि उसको अपना लिया जाए तो दुख देती है। अच्छा, अपने आप में कोई चीज दुख नहीं देती, हमें सिर में दुख नहीं देगा अपनाओ दुख पालो, हमें क्लब में दुख नहीं देती अपनाओ पाओ दुख, हर पा संसार की कोई चीज शराब हमें दुख नहीं देती पर अपनाओ फिर दुख पाओ, संसार की कोई भी चीज अपने आप में दुख नहीं देती, अपनाओ जरा, जब आप अपना लेती है तो उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। याद रखना, दुनिया अपने आप में दुख नहीं देती मेरी देवियों, जब आप गलती से उसका प्रयोग गलत करते हैं, उसका प्रयोग करना था मालिक के नाम पर, शादी करना कोई पाप नहीं है, सारे शादी करते आए, आपको तरीका नहीं आता शादी करने का और व्यवहार करने का, आप कोई तरह अटैच जाते श्रीमान जी के साथ, इतनी बुरी तरह अटैच श्रीमती के साथ, इतना बुरा मोह, और तुम मोह में फंसा भी लेती श्रीमान को, प्यार से लाड से मीठा बोल के भूल जाता है कि एक दिन मैंने चला जाना, इन दोनों हमारे में से एक ने एक चले जाने वाले, हम एक दूसरे से पुण्य कमाए न कि शरीर प्यार बढ़ाए, हमें पता ही नहीं, फिर आके रब ने बच्चे दे दिए, फिर पूरी तरह गलतान हो जाते उनके साथ, हालांकि ये सारे के सारे चार दिनों के मेहमान है, हमें पता ही नहीं कैसे रहना चाहिए, ये किसी देवता ने बताया ही नहीं कि कमल जैसे आदमी को चाहिए दुनिया में रहना, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल निराला बन के रहना, वरना दुनिया में कोई चीज दुख नहीं देती, हमें पता लग जाए हाउ टू यूटिलाइज हाउ टू यूज, ये हमें गीता बड़े तरीके से सिखा रही है।
हर समय भगवान का चिंतन, जब ये सब जैसे मैं मनाई बैठा हूँ मेरा प्रभाव सब पे पड़ना चाहिए, यही कह के मनाया। देखो भगवान जी कह रहे नित्य वासुकम, और मन देख ले जो चीजें अनित्य है दुखदाई है। हमने अपने दादा दी दिखलाए, मन को माता जी पिताजी दिखलाए, चाची दिखलाए, कितने दुखी हुए जिन्हें भगवान को हमारे, ये तीन चार तो परिवार हमने देखे है ना, दादा दी नाना नानी ने नाना ने नहीं देखे, दादा दादी और अब पिता माता पिता चाचा चाची ये तो हमने देखे है ना, बहुत दुखी क्यों, उनको पता ही को नहीं क्या होता है भगवान जी और भगवान की वाणी क्या, पता ही को नहीं, दुखी हुए जिंदगी में भी दुखी होते रहे, दुख पा के मर गए। तो ये मन मानता कि हाँ, और अगर हमने ये अपना लिया हर समय भगवान का चिंतन व अपना व्यवहार करना है, लेकिन बाप ने इनमें दिल नहीं दी ना, दिल को आप बचा के रखना है। तो ये तीसरा बड़ा भारी पुण्य हिंदू धर्म के अनुसार, सुनो 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 क्या सदाओ मेरा पेघ हो, अब मन मान गया तो और किसका चिंतन करो, बाकी चीजें तो जाने वाली है भाई, इतनी बात मना लो। और जब मन ना माने फिर बेवकूफी करे तो भगवान का वो फरमान डंडिया काम करेगा, जैसे कभी कभी आप बच्चे को थप्पड़ मार देते हो, डंडा मार देती हो, नहीं मानते थे, तो जब कभी वह डंडिया काम करेगा भगवान का ये बोल, किसी की ना कुछ बात फकत एक वही सा, देख लेते हैं भगवान तो चेतावनी दे रहे हैं, नालायक मन तू ही जलील होगा, बड़ी जल्दी मन खिंच के आ जाता। सारी गीता में यही ध्वनि चल रही है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूपी छोड़ दे, मना लो। ये तीसरा बार तो बड़ा भारी पुण्य, अभी कमालो आयु जा रही है, काल ने हमें मौका दे रखा है, हम इस मौके का लाभ उठा ले। चौथा होता है कोई मेरे में कमी है तो मैं देखूं, हिंदू धर्म के सार चौथा पुण्य, अभी मेरे में कौन सी कमी है, क्या काम की वृत्ति मेरे में है, क्या क्रोध की वृत्ति है, क्या लोभ या मोह या अहंकार, ये पांच तो है ना जबरदस्त, जिसके लिए हमारा परमात्मा कह रहे इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना, नरक का द्वार कहा गया 16वें अध्याय के आखिर में, पढ़ो ये श्लोक, नरकस्य इदम द्वारम कामा क्रोधा तथा लोभा, हाय ये नरक के द्वार हम देखते हैं जो कामी है, बेड़ा गर्क किया अपना उन्होंने, जो क्रोधियां कैसे लड़ाइयां झगड़े फसाद और सिर फट गए और कचहरियों में मुकदमे चल रहे, देख लीजिए तो क्रोध का परिणाम, और लोभ का परिणाम, टट्टू बने फिरते घर में, रुपया भी काफी है, आराम से खाओ भजन करो नहीं, और कमाना है और कमाना है, कितना उनके पास है कितना। एक तो मैंने कहा असर तो हो गया उनके ऊपर, श्रीमान जी आप भी रिटायर होने के बाद काम करती हैं, मेरे भगवान मुझसे बुलवा देते मैं बोलना नहीं चाहता, शायद उन्होंने छुट्टी पानी होगी, आराम करना होगा, जाप करना होगा, हाँ रिटायर हो गए, रिटायरमेंट क्या आपको मिलती है, मुझे कोई 3,000 रुपया मिलता है पर मंथ, जी मैं अफसर था, तो आप क्या करती हो, मैं एक फर्म में लगा हुआ अकाउंट तैयार करता हूँ, अकाउंट आपकी पे कितनी थी, मेरी पे 8,500 थी, सुनिए जरा बात, मारो चोट अपने मन को, जब ऑफिसर थे तो 8,500 थी, आप पे जो उनको पेंशन आती है लगभग 3,500 मिलती है, अच्छा तो आप किसी फर्म में लगे हुए हैं, क्या मिलता है जी 500 रुपया, डोमर भर गया डोमर, कहां से कहां अपने को पटका, क्या आपको जरूरत है कमाने की, नहीं मेरे पहले ही बड़ा फंड है, अभी मुझे काफी मिलता है, अगर दो तो मेरे तो इतना काफी है, फिर कमाते क्यों, मैं फिर क्या करूं, नाम का जाप करो, ये कमाई करो जो आपकी, आपने सारी जिंदगी कमाई 58 साल में, नहीं जी मुझे 2 साल और भी मिले हुए, देखो अगर आए बैठे हैं तो क्षमा करना, 58 साल 2 साल और भी गवर्नमेंट से ले लिए, क्योंकि इनका वो सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी थी, कोई शिकायत नहीं, और बड़े मेहनती थे, गवर्नमेंट ने खुशी से 2 साल 60 साल की, हाँ अब और कमा के क्या करें, समुन्द्र में वर्षा, अच्छा जी इसी समय अभी से मैं छोड़ता हूं, जाप करो, शास्त्र पढ़ो, अपने प्रलोक बनाओ, 500 रुपया लेके क्या करना है, नहीं जरूरत है कोई नहीं, और किसी किसी पे असर हो जाता है, क्या लोग है ना नर्क, रुपया इतना इकट्ठा भी है, मुझे नजर आ रहा था कम से कम इनके पास 4.5 लाख जमा भी हुआ पड़ा, क्योंकि छोड़ ही मरना नहीं 4.5 लाख रुपया, और इतनी पेंशन भी आ रही है, ऐसे व्यक्ति के लोग नर्क बन गए इनके लिए, कितनी है कमाना, 5 घंटे लोगों ने अकाउंट मिला, फिर डेबिट क्रेडिट नहीं मिला तो ये कर वो करा, ठीक है मिला अकाउंट नहीं मिलते, 10 पैसे का फर्क पड़ गया, फिर पीछे मार, फिर अकाउंट को देखो कहां गलती हो गई, क्या जरूरत है निरीक्षण करना, हाय मेरे में क्या कमी है। तो बच्चों अपने धर्म से ये बात सीख लो, बेटी से अपने बोलते हैं आत्म निरीक्षण, अपने को टटोला, जिसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेरे में क्या कमी है, क्या अभी मेरे में अहंकार,
यही पांचों पर्दा बन के हमें तलीनी होने देती, यही पांचों है जो लेयर का काम करती है। और एक बार विचार मन में बैठ जाए तो ये निरीक्षण करो निकल जाए, नहीं मेरे में काम की वृद्धि नहीं, मेरे में क्रोध आता है, हटाओ बार बार प्रभु मुझे ताकत दो, मुझे किसी पर क्रोध ना, कोई ऐसे करता कर ले, पर मैंने तो आपकी जात में तलीन होना, दुनिया में तो फिर जन्मना मरना, आपको बहन जी पर क्रोध आता है या माँ पर तो मानो तो फिर जन्म लेना है, बहन ने फिर जन्म लेके आना है, तो आपको तो आप तो कितने मुक्त है, फिर आपको मन को जल मन तुम्हें तो बहुत दूर जाना, आपका छोटा भैया आपके पास भाग भाग बैठे में आ जाता है, आपने क्या कहा भैया एक बार मुझे प्यार ले लिया कर, अच्छा भाई फिर मुझे रुपया दे दिए, एक बार मुझसे रुपया भी ले लेगा, जो पिताजी मुझे दिन में 5 रुपए देते हैं खर्चने के लिए, लो मेरे तेरे से मुझे मुझे तो पिताजी केवल देती है 10 या 20 पैसे दे देती है, मैं तुझे रुपया दे दी, अच्छा लेकिन एक बात कहूँ फिर तू बार बार ना आया कर, क्यों ना आया कर, तो मेरे पापा नहीं पापा तो हूँ पर मैंने पढ़ना भी तो है ना, फिर कौन इम्तिहान देगा, फिर तू फेल हो जाएगा, ओ नहीं भैया फिर पास जरूर होगा, फिर तू पढ़ने नहीं देगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, समझा लिया अपने मन को, अब आप कोई क्रोध इसीलिए समझा लीजिए, जैसे हमने कहा मैंने पढ़ना है इम्तिहान देना मैंने, हाँ इस तरह अपने समझाओ, मैंने तो जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं, मनवा तू सहन कर, इस तरह जैसे हम अपने छोटे भाई को समझा देते अबोध बच्चे को, इस तरह ये मन बिल्कुल नलायक और अबोध और इमेच्योर है, समझा दो इसको मनवा अपने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, इससे दुख नहीं तो दुख ही दुख है काका, बहुत भारी दुख, शुरू से ही टीके लगने लग जाते हैं, अभी बच्चा पैदा ही होता है कितने टीके लग गए, कितना है कि पोलियो ना हो जाए, ये नई नई बीमारियां, फिर बच्चे के टीके तुसेड़ो, इतनी नरम बॉडी शुरू से लेकर, फिर ये माइया पत्नी कहां से जाती है, माइया रानियां पटाड़ियां, ये दाने निकल आए तो फाड़ निकल आए तो समाल पक्षा आए, तो मेरी माई के दरबार कबूतर पे उड़ दे, पीपी होए निहाल मेरी माई के दरबार पे कबूतर उड़ाओ, वह समाज पास कितनी है, एक बच्चे पर कितनी बीमारियां, कितने रोग आ जाते हैं बच्चे पर, ऐसे दुख देखो ना बार बार, शुरू से लेकर मरने तक दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, लेकिन एक भगवान का भला हो जिन्होंने हमारे लिए कह दिया, अगर मुझको मन में सुनना, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, आगे आप बोलो, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा, आपके नारायण बसाते खुद अपनी श्री मुख से कह गए, सारी गीता सुनने के बाद 18वें अध्याय, मैं तो उनका ढंडोरची हूँ, भगवान का ढंडोरची, भगवान की ज्ञान का ढंडोरा पीट रहा हूँ और आपको याद करा रहा हूँ, मैं तो भगवान का पोस्टमैन हूँ, हरकारा हूँ, जो आपके नाम उनका संदेश है वो आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरा काम हरकारे की तरह, वो आपके रिश्तेदारों के पत्र दे जाते हैं, मैं आपके परम हितैषी भगवान का पत्र दे रहा हूँ जिसको गीता कहते हैं, ये आपके मन बुद्धि काम आएगा, वो रिश्तेदारों का काम आपके तन तक आते हैं, इतना रुपया भेजना, इतना मैंने 10 रुपया भेज दिया, तेरी माँ बीमार हुई पड़ी है, हो सके तो आ जाई, ना हो सके तो वही दुआएं कर दी, ये तो टंटे पंटे रहेंगे, वो भी हरकार पद दे जाते हैं, एक ये भी हरकार है पोस्टमैन जो आपको भगवान का पद दे रहा, इससे क्या होगा परलोक बन जाएगा, समझा लो अपने आपको, जो भी कमियों निकालो, ये ना क्षमा करना बकवास करते रहो, मेरे में ये कमी, ये क्या, ये मेरे में बड़ा चिड़ है, जो हम ये आरती उतारते हैं ना बचपन से लेकर माँ की गोदी से लेकर अब तक हम सुनते आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं, विषय विकार तो अभी मिटे नहीं, बरसों तो गुजर गया, इस पट्टी को पट्टी क्या हम टेप निकाल रहे, विषय विकार मिटा वो पाप रो देवा सभी पाप हरो देवा, फिर मिटे सवेरी शाम पत्थर दिखी चला गया, किसी महापुरुष ने अगर आरती बनाई है हमें चेतावनी देनी की, हमारे अंतःकरण को निर्मल करना कि हम टेप रिकॉर्ड बन जाए, आमतौर पर धर्म स्थानों में टेप रिकॉर्डिंग की तरह बोलते जाते हैं, रामायण बोली जा रहे अखंड टेप रिकॉर्डिंग की तरह, जैसे टेप रिकॉर्डिंग को पता ही कोई मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह आज के भाइयों को गुरुद्वारों में और मंदिरों में देख उनको पता ही कोई फरार पड़ी जा रहे, फरार पड़ी जा रहे, पड़ी जा रहे, पड़ी जा रहे, रामायण का पाठ हो रहा है, भागवत पुराण का पाठ हो रहा है, वो टेप रिकॉर्ड चल रही है, ये तो बात ना बनी, हम तो अपने कल्याण के लिए यहाँ आते हैं, मैंने जरूर कल्याण कर दिया, देखो निरीक्षण करो अपना, ये चौथा पुण्य पांचवा पुण्य अपनी कमाई के 10वां हिस्सा, ये आपका धर्म कह रहा है अपनी कमाई, अगर उसमें बरकत डालना चाहती है, कोई बरकत पड़े, कमी ना रहे, लोड़ दी थोड़ ना रहे, और कमाई थोड़ी भी है तो उसमें बहुत ज्यादा
बरकत बढ़ जाए। तो हमारे व्यास जी ने कहा उसका दसवां हिस्सा अधिकारियों को, अगर आपकी 100 रुपए आमदनी है तो 10 रुपए निकाल लो और देखो अधिकारी कौन है। परमात्मा की कसम ये मैंने आजमाया क्या कि बड़ी उसमें बरकत पड़ती है, थोड़ा रुपया भी ज्यादा हो जाता है आपके लिए सो ही बड़ी बरकत। उसका 10 हिस्सा निकालो, श्रीमान की 1000 रुपए तनख्वाह है, 10 से 100 निकाल दो बाहर और देखो कौन बच्चा गरीब है, मैं किसी की सेवा कर दूं, ऐसे लंगर चला रहे हो यहाँ पर, लंगर में कुछ चीज रखवा दो या कहीं भी आप देखते हैं कोई अधिकारी उसको दे दो, दुआएं लो। ये हमारे 5 हैं क्या शुभ कार्य, ये हमने जरूर इसे जाके कह आह इसमें स्वार्थ नहीं रखना, कल्याण तो बाबा कल्याण की कामना नहीं, इसको कामना नहीं मानते भगवान। अगर हम लोग बैठेंगे कामना कोई नहीं, हालांकि हमारी कामना नहीं कि हम आवागमन छूट जाए, अच्छा बार हमारे अंत का निर्मल हो जाए, हाँ ठीक है भगवान इसको कामना नहीं मानते, ये बड़े गजब की बात। कामना होती है मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं पढ़ जाऊं, मैं धन कमाऊं, कामना संसार संबंधी होती है, है हाँ। जो परमार्थ किस विषय की उसको कामना भी रब नहीं मानता, वो देखो भगवान का फरमान सोनर्जन में ख्वाहिश हूं, इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म, धर्म अनुकूल जो भी इच्छा होगी अर्जुन उसको मैं कामना नहीं मानता, आपके गीता में फरमान। वाह वाह मेरे भोले भाले कृष्ण, वाह मेरा हमारे इष्टदेव, धर्म अनुकूल जो भी इच्छा होगी मेरी देवियों, दैट वुड बी कॉल्ड डिजायर, डिजायर कंसर्निंग टू वर्ल्ड, डिजायर कंसर्निंग टू फिजिकल बॉडी, डिजायर कंसर्निंग टू अवर रिलेटिव्स, उसको डिजायर बोलती है। वाह ये कोई डिजायर नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा बर्थ राइट है, अपना कल्याण करना, भगवान की जात में समाना, भजन करना, अपने पाठ जाप करना, ये कोई कमरा नहीं। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये कोई काम नहीं, ये हमारा धर्म है। क्या धर्म है? जो सीखो किसी को दिए से दिए को, अगर एक दिया रब ने जलाया है ज्ञान का तो अब ये धर्म होता है मेरे जैसों का, वरना भगवान लालच मारती है, अगर तू ज्ञान से जला है इतने दीपक को जला दे। जो सीखो किसी को है, कितना अच्छा नियम हमारे देश का, जैसे कि दिए से दिए को जला, एक दिया जला सारे दिए, ऐसी दिवाली पर करते हैं ना, ये थोड़ा जो बार बार दिया सलाई की डिबिया में से सलाई निकालेंगे रगड़ेंगे और जलाएंगे ना, एक दिया जला लेंगे और हरेक के सिरे के साथ लगाई जाएंगे। हमारे तो ऐसे करती थी, आगे आगे बहन होती थी वो दीपक रखती जाती थी, पीछे पीछे मैं या छोटी बहन, वो जलता हुआ दीपक उसके सिर से लगा के और जल गया और जल गया और जल गया, यूं जलाती जाती थी। ऐसे ही होता है यावी में देखता है, ऐसे ही होता है घरों में, अगर आप ऐसा नहीं करते तो कमली जमली हो, फिर आपका जन्म जो है शुक्रवार को हुआ होगा, अगर शुक्रवार को छोड़ किसी और दिन हुआ तो फिर तो एक बार दीपक जलना चाहिए, सारे दीपक जल जाएंगे। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। और हमारे देश का दूसरा जयकारा क्या है बता दूं, कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा, ये हमारे देश का, अपने देश की बातें जान लो ना, ये हमारे देश का दूसरा जबरदस्त जयकारा है। हाँ तीसरा जयकारा बोलू, हमारे व्यास जी जो लगाया था आत्मी प्रेशाम न समाचरे, आत्मी प्रतिकूला नहीं प्रेशाम न समाचरे, जो तेरे अनुकूल नहीं है दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न कर। व्यास जी कमाल कर गए, जो आप समझते मेरे अनुकूल नहीं दूसरों के साथ ऐसे क्यों करते हो, अगर आप चाहते हो मेरे साथ सारे प्यार से बोले आप भी प्यार से बोलो, ए बड़े भैया अगर तेरे साथ मैं क्रोध करूं तो फिर बुरा लगेगा, लगेगा फिर तू अपने भाई की चटनी क्यों बनाते है, बनाता हूं कभी कभी, क्यों क्यों जवाब कोई नहीं मैं क्या दूं, जो जो तेरी बात अनुकूल नहीं, कितनी अच्छी बात, डू अन टू अदर्स, आगे आप बोलो डू अन टू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, दूसरे के साथ ऐसे सलूक करो ना जैसे तुम अपने लिए उनसे चाहते हो, कैसे अच्छे जयकारा है। ये हिंदू धर्म का पहला नियम है, अपनी मनुस्मृति का पहला नियम, अपनी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो बात तेरे लिए उलट है उसको दूसरे के लिए ना कर। आह हर एक धर्म ने ये बात अपने हिंदू की ले ली है, हिंदू धर्म के हर एक ने पकड़ लिया ये बात, मुसलमानों ने जरा अपनी बात वही अपने शब्दों में ले लिया, चाकुन राजा दरपेश, जरा उन्होंने फांसी में ला लिया बेटे चाकुन, जो दूसरों के रास्ते में चाह मैंने गरम गरम चाह नहीं कुआं, जो दूसरों के रास्ते में चाह खोता है कुआं खोता है, खाइयां उनके लिए तैयार हो जाती,
वाह वाह, जा कुन राजा दरबेश, हुई हमारी बात। तो मेरी बेटी, ये कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी सुंदर बातें हैं, हम फौरन अपना लेंगे। इतने ये पुण्य करते रहो, प्रातः काल का उठना मेरे ख्याल में हर एक कर रहे हैं, नहीं तो फिर मर्जी आपकी, मैं तो बता बता के चला जाऊंगा। नंबर दो, अपने गीता जी का पाठ करना या सत्संग मिला हुआ हो जरूर, हो सके सवेरे का सत्संग अटेंड करो, कुर्बानी करो कुछ, क्योंकि आप चाहते यही है, शाम का तस्वीर भी लो ताकि ये बारी वाणी सुनी जाए, बड़ा भारी असर पड़े, गहरी उतर जाए, नहीं तो फिर 12वें अध्याय के अनुसार गुण देखो, और वो देखो रोज 12वां अध्याय पढ़ो, खासकर 13वें श्लोक से कितने श्लोक तक, 20 श्लोक तक, 13 और 20 कितने बनते बेटे, 7, 8, 13 को बीच में ले लो ना, 13 को बीच में गिनो तो 8 बन जाएंगे, 13 के आगे 20 होते हैं, 14 गिने तो, पर 13 को बीच में ले, क्योंकि 13 से भगवान ने गुण गिनाया भक्तों के, और 20 श्लोक तक कहा वही गए मेरे सबसे प्यारे मेरे, तो ये गुण मेरे रोज पढ़े, अपने पर अप्लाई करें, ये गुण मेरे में आ गया भगवान जी, ये गुण बता रहे, इस तरह तर जाओगे मेरी देवियों, ये गुण मेरे में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मेरे में ये आया। जैसे कभी कभी हमें मार पड़ती थी मुझे या बहन को भी, जब मैं पिता जी कहते थे क्या ये काम किया, क्यों नहीं किया, मैंने कहा था, थप्पड़ लगते थे मुझे, घर की बातें याद है, क्यों नहीं किया, तो जो मैंने कहा था ये काम करने, क्यों नहीं किया, अब सिर नीचे है, खाओ थप्पड़। हमारे माँ बाप तो दूध के पले होते थे, थप्पड़ भी भारी होते थे, आए कम चाह के पले में थप्पड़ी पतले पतले है, मालूम ही कोई नहीं होता किसने मारा कि नहीं मारा, हमारे तो थप्पड़ ऐसा बाप का लगता था, माँ का ऐसे बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी उंगलियां, जो कि दूध की पली हुई थी, शाबाश। तो आइए ना, क्यों नहीं किया, इस तरह हम कहे, जब मैं कल्याण करना चाहता हूँ और मेरे परम पिता मेरे कल्याण के लिए कहती, मैं क्यों नहीं अपना रहा, इस तरह तर जाओगे नेक जीवो, अगर ऐसे अपने पर कहोगे तो। इसी 12वां अध्याय आप रोज पढ़ा करें और अप्लाई करें अपने पर, ये हमारा दूसरा धर्म, हमारा दूसरा पुण्य, तीसरा पुण्य हर समय भगवान के चिंतन करना। हाय हाय, वो बड़ा सुख पा रहा, वो अपने मन को टिका कर वो सुख पा रहा, आप भी मेरे साझी बन जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ, बेटिया मेरे कंपेनियन बन जाओ, आप पूरे कंपेनियन बन जाओ, कि मैंने हर समय भगवान का चिंतन करना, और किसका चिंतन करें, हम तो मन में कहते कर चिंतन, कर 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 चिंतन, और किसका, मरने वाली चीजें मैं नहीं चिंतन, मन में ये सौभाग्य बात बड़ी गहरी उतर गई, नहीं ये मरने वाले मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये मैं इनका चिंतन नहीं करता, ये तो जाने वाली, ऐसी बात तसी पड़ी है, सपने भी इनके नहीं आते, रब ने बंद कर दिए, वो क्यों, मरने वाली है ये तो, जाने वाली चीजें हैं, हम तो चिंतन करें किसका, आहा जो रहने वाली हो, मेरे भगवान जी का, अपने परम पिता का। भाई इस तो युक्ति से समझा लो, कई बार कह चुका, खरगोश ने शेर को मार दिया, लड़के थोड़ा युक्ति से मार दिया, आपको पता ही है बच्चे, कई बार सुना चुका, खरगोश ने शेर मार दिया युक्ति से, हमने अपने मन रूपी शेर को मार दिया युक्ति से, युक्ति से मुक्ति, हमारे धर्म क्या कहता है, युक्ति से मुक्ति, कल जग में तो युक्ति से मुक्ति, तुम करो 2.5 घंटे ध्यान में बैठे रहे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, क्या मैं सवेरे बैठी हूँ और वो इतने घंटे ध्यान नहीं, इतने घंटे जाप करूं, इतने बस की बात नहीं, युक्ति तुम्हारे बस की बात है, जैसे मनवा किसका युक्ति, किसका याद करेंगे, मरने वाले नहीं, मरने वाले दुख देंगे नहीं, तो सदा रहने वाले अपने भगवान के चिंतन का जरूर, ये काली वृत्ति है प्रभु, आप मुझे शक्ति दो, मैं निकालना चाहती हूँ, आप देखो मैं पखंडी नहीं हूँ, मैं सच्चाई से निकालना चाहता हूँ, नहीं निकलती, आप मेरी मदद करो, हाय बार बार भगवान जरूर मदद करेंगे। बाद में हमारे पुण्य कार्य है, आपको बताया आपकी कमाई का 10वां हिस्सा अधिकारी को देना, जो निधि पर्सन है, निधि स्थान है, ताकि आपकी कमाई के शुभ उसका प्रयोग हो जाए, बड़े ध्यान से देना, भगवान ने कहा है देश काल पात्र देख के, वरना कमाइयों का जो दान जाते हैं बहुत ही दुरुपयोग होता, पर देख के ये सदुपयोग इसका हो गया, ये मेरी कमाई का, उससे फिर दुआएं मिलती है, आपको बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाता है। ये था हमारे जो मैंने आपको कहा यज्ञ, यज्ञमय जीवन, कुर्बानी का जीवन, अब मैं थोड़े से शुरू करूं, आगे बढ़ू, आगे क्या है, सरकार यज्ञ दान, ये तीन भगवान कहते कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दान के अर्थ हमको जानते तो है पर बहुत छोटे अर्थ जानते हैं, दान होता है दीयते दिया जाए जो, हाँ अब मेरा धर्म है मैंने देना है, पर अब क्या देना है, अब मुझे सुनो,
जो मेरे धर्माचार्यों ने, मेरे गुरुदेव जी ने और मेरे हिंदू शास्त्रों ने बताया, आपको क्लियर कर दूं, आज शुरू करता हूं। देना क्या, देना वो है जिससे दूसरों को लाभ हो, ऐसा शुरू किया व्यास जी ने। जिससे चाहे एक का लाभ हो चाहे अनेक का लाभ हो, देना वो देना। और नहीं, आपके पास कई चीजें हैं लेकिन वो हानिकारक है, कई ऐसी बातें आपको पता है जिससे हानि है, नहीं देना, उस बेचारे का नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं बतानी। कोई चीज आपको बनानी आती है और आप सिखा रहे हो लेकिन नहीं बतानी, इससे उसके परिवार का नुकसान होगा, उसका अपना नुकसान होगा। अच्छा, नशीली चीज आप बना लेती है दो चीजें मिला करके, तीन चीजें मिला कर, लेकिन इससे नुकसान होगा ना उसका, आपको किसी ने बता दिया है, लेकिन है नुकसान, है हानिकारक, वो हानिकारक नहीं बता दी, हमें तो लाभदायक चीज बता दी और लाभकारी हो, इतनी बात हमने जान ली। आप शुरू करो देना, देना लेकर भगवान मानते हैं वो दान नहीं है। क्या आपने नानक चंद 1,00,000 रुपया दान में दे दिया लेकर दान नहीं, यदि भगवान के नाम पे नहीं दिया तो उसको रब मानते ही नहीं। दान दान तो होते फकत मेरी खातिर, तू हवन दान दे सब मालिक के नाम, वरना अहंकार बढ़ेगा, मैंने दिया, कई नाम लिखवा लेती है, बड़े बेवकूफ है, बड़े नालायक है, इतने खुश होती भगवान के, भगवान के नाम पे देते कई गुना अंत का निर्मल होता, भगवान कई गुना और वापस लुटाते। हम नाम लिखवा लेते हैं, देकर नलका बनवाया, नाम लिखवा दिया, कोई पंखे मंदिर में लगाया, इस धर्म स्थान को छोड़कर हर जगह देखो पंखों पर नाम लिखे हुए है, चुहा माल वल्द पता नहीं भेड़िया माल, उसकी माँ के मरने पर ये पंखा दे दिया गया, ये देखो ये बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। करना क्या था, वो ये जो पंखे की इतनी बड़ी यात्री है, ये पैकिंग आई भगवान के चरणों में रखी, प्रभु तेरी वस्तु ये जहां मर्जी लगाए मैं तो आपके चरणों में भेंट करनी है। चल इसका बड़ा भारी पुण्य मेरी दीदी हो बता रहा, तो उन्होंने था ब्राह्मण बताते हैं, आन दे तू 100 बारी नाम लिखवा ले, अब पत्थर लगे हैं मंदिरों में सारों के नाम लिखे, हर द्वार देखो जरा एक एक पे नाम लिखा हुआ और धर्म स्थानों पे एक एक पे नाम, बड़ी भारी बकवास भूल, भगवान नाराज होती है, मालिक ने दिया मालिक के नाम पे लगा दो, आपका कहां है। अगर आप कहते हमने कमाया तो ताकत किसने दी, भगवान ने बुद्धि में ताकत किसने दी, शरीर में ताकत भगवान ने दी, तो भगवान दान सुन भू स्वीकार करते थे जो मालिक के नाम पर, उससे अंत का निर्मल होता है, अनेकों को लाभ होता है। ध्यान देना बच्चे, हर चीज मालिक के नाम पर, अपनी नहीं। श्रीमान जी आपकी शी छोड़ गए, आपने कई चीजें मंदिर में दी, हाँ लेकिन ये अच्छा कि जो मालिक के नाम पर दे दिया, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, भगवान के नाम पर। जैसे आपने ये मेरे बार बार कहने पर मेरा आदर कर दिया कि जो भी देना है, हाँ पूछ के दो, क्या देना, क्या कमी है जी, घी की कमी है जी, क्या कमी है जी, फलाई चीज, ये वो भी नहीं दान माना जाता जिसकी कमी ना हो, पर आगे 5 क्रस्टर पड़े हैं घी के, एक आप पार ले आए, ये भी दान कोई नहीं। अच्छा यही तो भगवान ने कहा है, देश काल पात्र देख के दो, पूछ के बड़े से क्या देना चाहिए, हमारे पास आटल है 2 बोरियां है जी, आटल तो पड़ा है, तो पूछ के क्या लाए, दाल की कुछ कमी है, कौन सी दाल, ये गंगा जमनी बोली है, हाँ गंगा जमनी दाल ले आइए, तो वो जो कमी हो ये दान, और वो भी भगवान के नाम पर, और वो भी सबके सामने नहीं पूछना, अलग होके तो लोग ये बड़ा दानी है भाई, कईयों की शौक होता है सबके सामने पूछने का, आहा 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 सबके सामने बात करें, ये गलत हो गया, पर भगवान तो जानते हैं ना कि छली वली कपटी है ये, अलग होके पूछो दान, और वो भी मेरे मालिक के नाम पर, ये चीजें होगी ना दान, हाँ पर नहीं, हमारा धर्म तो और आगे बढ़ता है और आगे निकलता है, जिसमें दूसरे का कल्याण हो, स्कूल के बच्चे हैं बेचारे गरीब है, तरखाने फीस ही दे सकते, जाओ दो, बढ़ते चलू मैं आपको बताऊं तरीके, 10वां हिस्सा आपने निकालना है, ऐसे स्कूल में किताबें भी ले सकते हैं, ये मालिक के नाम पर, सिर्फ ये क्यों अनाज का दान क्यों, और भी बढ़ो ना आगे, इन एक बच्ची है और स्कूल की वर्दी नहीं बना सकते, कितने बच्चे आए यहाँ पर कहीं से मैंने बनवाई, बच्चे इनको बनवा दो जरूर, वर्दी इनकी विशेष होती है हर स्कूल की, नहीं बना सकते, तो ये देखो मेरे बच्चों की कमी है, बच्चे तू नहीं बना सकता, बाप तो मेरा मर गया है, मामरी लोगों घर में रुट, जरूर जरूर मामरी लोगों ने घर काम कर दिए, मैं बनाऊ कितने मेरी माँ बनवा देवे, माँ कहती है रोटी के अलावा थोड़ी सूट बना देगा, हाय हाय हाय, ये है निधि प्रसन्न, ये दान, ये इस प्रकार का, आप जब देखो कहीं पानी की जरूरत है ये जल दान,
वही मेरे रब्बा, वही मेरे रब्बा। ये जल दान, ये पढ़ाई दान आपने सरस्वती दान की, बच्चे नहीं पढ़ सकते ट्यूशन रखवा दो। बच्चा पढ़ाई का शौक रखता है लेकिन कमजोर है, बच्चे को 2 मिनट ट्यूशन रखवा दो, है क्या 50 रुपए महीने का है, 100 रुपए आपका सार्थक हो गया कि नहीं? ओए पापा, ओ पापा, ओ पापा। अच्छा एक बच्चे थोड़े दिन हो गया बाहर में गया, अपना बूट ले आया, आधे के तले पटिया पे बाबा ले देंगे, ले देंगे। अच्छा ये मैं नहीं पता तला जान बोल के फाड़ के लाया कि वैसे निकाल तला फट गया। अच्छा पता जरूर ये निधि पसंद भगवान बड़े खुश होते, वही मालिक के नाम पे दिया जाए। मैं इशारे करता जा रहा हूँ क्योंकि आप अपना कल्याण करने वाले हैं ना। अच्छा अब फिर आगे बढ़ा, आगे व्यास जी बढ़े, अब आइए। हाँ जबान से मीठा बोलो, मीठी जबान का दान दो, हाय श्री कलामी मधुर वाणी, जिससे व्यवहार करो मीठी जबान से, कई कड़वा बोलती है मैंने सुना है, मेरे काफी कंडक्टर भी कुछ बहुत कठोर बोल जाते हैं। हाँ लेकिन आप कठोरता जवाब कठोरता से बदलो, उन पर इतना भारी असर पड़ेगा, कोई बात नहीं आप मेरे कान में डाल दो, फला ने ये ऐसा गंदा बोला, फला ड्राइवर ऐसा बदसलूक करता गए, आप अपनी जबान को गंदा न करो, आप अपने आप को खराब न करो। आप आमतौर पर जवाब ईंट का पत्थर से देते हैं तो मन को क्यों नहीं समझाया जाता? मनवा जरा ध्यान दे, देख मेरी बेटियां आती है बैठी हुई है, रो पड़ोगे मैं उठाऊ उनको दिखाऊं तो, मेरे एक भैया भी बैठा हुआ है ऐनक लगा के, ये अब न बोल सके न सुन सके, क्यों आपने सजा दी? किसी जन्म इन्होंने वाणी का और कानों का दुरुपयोग किया। आप देखो मालिक ने दी नहीं सजा है ना, ये तो हमारे गुरु है, वो मेरी बेटियां बैठी है, गुरु है हमारी, हम तो उनको प्रणाम करते हैं, बाबा हम तो भूले पर कोई और ना भूले, हम तो भूले पर कोई और, अपनी जबान मीठी जबान दो, इसको दान मानते व्यास जी, मधुर कलामी मधुर वाणी का दान हो गया, और कितना खुशी जाता है कहीं, कितना पसंद। भैया तुम ऐसा कठोर बोल लो, मैं नहीं बोल सकता, हाय शापा। घर में पत्नी ने कह दिया, बेशक बच्चों की माँ और भी कठोर बोल ले, मैं ऐसा जवाब नहीं दूंगा, इतना असर पड़ेगा उसके ऊपर, हमेशा दूध का उबाला, मेरे गुरुदेव ने कहा था, हाँ ठंडे पानी की छींटों से नीचे जाता है, जरा गर्म पानी देख के देखना ना उबाला बाहर और निकला, जब ठंडे पानी की छींटे डाल दो तो दूध का जो जोश था वो फौरन पतीली के नीचे बैठ जाएगा। हाय गर्म शब्दों को ठंडे पानी से करो ना, ठंडी वाणी से, इसको दान मानती है क्या? मधुर वाणी का दान, वाणी तो अनमोल गए जे कोई जाने बोल, गुसाई जी फरमा रही गए, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। आगे और वो कहते हैं, वशीकरण ये मंत्र गए तज दे वचन कठोर, ये दूसरे को वश में करने का बड़ा भारी मंत्र है, क्या हम मीठा बोले, बोलते बोले दो, दूसरे कठोर बोलते बोले दो, आपकी बेटी बढ़िया है दराज कठोर बोल जाती है, नहीं शब्द बोले चाहिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करे, कर्कश वाणी उसकी, कर्कश आपने माँ के पास आपने तर जाना, आपने फिर जन्म नहीं लेना, हाँ वाणी को मीठा बनाओ, ये मीठी वाणी का प्रयोग हो गया, दो जिससे दूसरे का लाभ हो, दो 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 धन का देना चाहते हैं ऐसे स्थानों में, मैं बता दिया दो भगवान के नाम पर, जहाँ उसको सदुपयोग हो, शाबाश शाबाश शाबाश, जहाँ उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, शाबाश। अब भगवान ने मुझे वाणी दी है, अब मेरा धर्म है कि मैं ये ज्ञान गीता ज्ञान आपको दूं, मीठे व्यवहार से दूं, झुक के दूं, विनम्र होके, क्योंकि मेरे मालिक मेरे कान में फूंक रहे गए, मेरा भक्त होकर माइजो न्यास, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रास, ये मेरे धर्म है, मैं पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, विनम्रता से दूं, बिल्कुल ही बड़े प्यार से दूं, भगवान बड़े खुश, इसको दान दो। लेकिन मैं फिर कहूंगा भगवान के नाम पर, बेटी दिया जाए प्रभु के नाम पर, हाँ तब वो दान माना जाता है, दान वो जो भगवान के नाम पर। अब इससे बोलते हैं अन्न दान, हाँ भूमि दान, हाँ कन्या दान, हाँ स्वर्ण दान, हाँ वस्त्र दान, हाँ विद्या दान, हाँ ज्ञान दान। दान तो एक प्रकार का, हिंदू धर्म ने 6-7 प्रकार के दान दे दिए, इसमें जितनी तौफीक जिस तरह की समय समय अनुसार आपको मिले भगवान के नाम देते रहो, बड़ा भारी पुण्य, सबसे बड़ा दान जो मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाग अच्छे, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान दान, चोटी का दान भगवान मानते ज्ञान दान के। नंबर दो पे आता है अन्न वस्त्र दान, ये नंबर दो पर है, ज्ञान दान तो आपके वस्त्र की बात नहीं है, पर वस्त्र
अन्न, ये तो आपके बस की बात देती रहती हो, लेकिन भगवान कहते हैं दान तो वो दान जो भगवान के नाम पे हो, याद रखना। हमारे समाज में बड़ी कमी है, लेकिन आप में कमी नहीं रहेगी। केवल इन्हीं शब्दों को चार चांद लगा के भगत मेरी खातिर हर काम का मालिक के नाम पर, तब वो दान माना जाता है। ऐसे दान के लिए कहा गया तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे दान बड़ा कल्याणकारी होता है जो मालिक के नाम पे दिया जाए। अगर मैं वाणी भगवान के नाम पे दे रहा हूं तो बड़ा भारी कल्याण दे रहा आपका। अगर आप अन्न वस्त्र देते हैं हमारे, बड़ा भारी आपका कल्याण, बरकत ही बरकत। भगवान अपने सिर पर कर्जे नहीं चढ़ने देते। एक हाथ से अगर अपने देकर अपने देश की आवाज, अपने धर्म भूमि भारत की आवाज, एक हाथ से अगर अपने लुटाएगा खजाने, 100 हाथ से मारे भर देगा खजाना। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। बंदे का एक हाथ, 11वां अध्याय निकालो मालक के सहस्त्र हाथ, एक हाथ से अगर अपने लुटाएगा खजाने, 100 हाथ से मालिक भर देगा खजाने। वो तो चुनके नहीं खाता है, हम तो एक हाथ से देंगे ना। तो मालिक तो कितनी हाथ है, विराट रूप है मेरे प्रभु का, तू कितनी मौत की बात। ये भगवान कह रहे कभी नहीं, पहले कहा यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, फिर कह रहे दान किसी भी कीमत पर ही, तो फिर इंसान का कल्याण कैसे होगा। देना चाहिए, मालिक ने दिया है देने दिलाने के लिए। फिर स्वामी जी कहा करते थे देने दिलाने के लिए, शेर देवियां बोला करती है कीर्तन, उनमें ये कीर्तन है आहा कितना अच्छा, हाथ सोने न लग दे दान बिना, हो जाए चाहे जितना चूड़ा पाइए, ओए मुंह सोना न लगदा जाप बिना, चाहे कितना चेहरा बनाइए, ओए हाथ सोने न लग दे दान बिना, चाहे कितना चूड़ा पाइए, चाहे कितना सोना खड़काइए, आहा पर सोने न लग दे दान बिना। ये किसी की सेवा करके दुआएं मिले ना, परमात्मा हमें तौफीक दे, परमात्मा हमें समर्थता दे, हम देते रहे, जितना हमारे से बन पड़े हम दे। लेकिन मैं बार बार कहूंगा भगवान के नाम का। ऐसे क्या होता है, भगवान कहते पावनानी मनीष नाम, अब मन के मन को निर्मल करने का बड़ा अच्छा साधन है, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाता है। और याद रखना भगवान के योग, निर्मल मन भगवान के योग। हमारे व्यास जी ने क्या कहा बता दूं आपको, हाँ निर्मल मन भगवान की बैठक है। आहा एक तो आपके हर एक घर में बैठक है आए गए के लिए ना, लेकिन भगवान का बैठती है निर्मल मन भगवान की बैठक। मैं आधा बोलूंगा आधा आप बोलना, आप पे बैठ जाए, निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन भगवान कहाँ बैठते जिनका अंतकरण निर्मल है। हाय और ना भूलना हो नेत जीवो, और ना भूलना हो मेरी कल्याण कामनी देवी हो, फिर बोलिए निर्मल मन, निर्मल मन भगवान की बैठक। हाय जिनके अंतकरण निर्मल है, जिनके अंतकरण पाक साफ है, कितना अच्छा। ये भगवान राम मां दा पुत्र, कुशले दा पुत्र, मर्यादा में रह के जान बुझ के पूछने के लिए गए ऋषि के पहले आश्रम पहुंचे। सीता जी को लक्ष्मण को ले 14 साल का वनवास हुआ, पहले ही आश्रम में गए ऋषिवर के आश्रम में, और उन्होंने बड़ी सेवा की। फिर मेरे एक प्रश्न है, हाँ राम पूछो, ऋषि ने कहा मैं 14 साल कहाँ काटूं। उन्होंने रामायण में ये प्रसंग और प्रेम के आंसू बहाओ, भगवान पूछ रही है मर्यादा में, आप तो इस सारी जगह इलाके के वाकफ कर रहे, हाँ आपको शिष्य अपना दो जो स्थान सीता और लक्ष्मण और मेरे अनुकूल हो वो बताइए। तो क्या उन्होंने ऋषिवर ने कहा क्या मैं जहाँ पिपल लगा हुआ हो छाया हो वो बताऊ। काम को मद मान न मोगा, लोभ न छोभ न राग न द्रोगा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। क्या कमाल की है, भगवान जी ने हाथ जोड़े, ना मेरी मर्यादा भंग करो, ना मेरी, भगवान मैं जानी बैठा हूँ आप कौन हो, आप ना छुपाओ। वो तो त्रिकादर्शी होते हैं ऋषि, तो सब कुछ जानते हैं, मेरे सजनों की देवियों प्रभु आप उसे पूछती हैं जिनमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, छल नहीं, बाल नहीं, कपट नहीं, सीता लक्ष्मण समेत उनके हृदय में जाके बैठो। ऐसे से याद करो, काम को हो मदमान न मोहा, लोभ न छोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराय।
रघुराज जाओ उनकी रीति में बसो, बाहर जंगल में क्या बसने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही आप सर्वव्यापी है। ऐसे भक्त किसी में कह रहा था अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण भगवान की बैठक। तो ये दान से हमारा अंतःकरण, दान भी इस तरीके से जैसे हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के वाणी में वाणी महर्षि वेद व्यास जी फरमा गए, इस तरीके से दिया जाए अंतःकरण निर्मल भगवान के योग। उर्दू वाले भी इस तरह हमारी नकल करके बना चुके हैं, सब क्या 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 सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है, भगवान के दूसरे दर्जे पर किसको दिया गया, भगवान का दूसरा दर्जा अंतःकरण की सफाई को, याद रखना मेरे दीवियों, पहला दर्जा भगवान का, अच्छा दूसरा दर्जा अंतःकरण की सफाई का, सफाई पारसाई के। अंग्रेजों ने इसी की नकल करके अपने प्रवर्ब में रख लिया, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसी मीठी मीठी बातें मेरे से ले लो, क्लीनलीनेस सफाई इज नेक्स्ट दूसरे दर्जे पर, गॉडलीनेस खुदाई के, परमात्मा दूसरे दर्जे पास क्लीनलीनेस है। और ये क्लीनलीनेस कैसी होती है, भगवान के नाम पर शुभ कर्म किए जाए तो अंतःकरण निर्मल। एक इंसान को पता कोई नहीं, अहम पाना अहंकार जगराते रखवाएंगे, देने दूर पाए और अपनी बूढ़िया पिटवा पिटवा करके, फलाने ये देती है, हे देवी इनको ये करना वो करना, देवी सब जानती है, देवी लल को लली नहीं है, देवी देवी रोटी को चोची नहीं कहती, उनको जब बोलते हैं ना तो कह दिया करो, हमारे बाबे ने कहा देवी को सब पता कितने पानी में हो, देवी रोटी को रोटी कहती चोची नहीं कहती, पता है उनको, हे देवी भवानी इनको ये करना इनको ये करना, 5 रुपए दमड़ा दान दिन दिन तेरे नाथ तेरे नाथ है हाय रबा मेरे तेरे नाते दिन दिन इज्जत के नाम पर मालिक के नाम पर थोड़ा दिया जाता है। सियाने बनना मेरे सजनो, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बहुत सियाने बनना। और हम लोग तो फिर पता है अपने शुद्ध मन को और शुद्ध तन को क्या, तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार बल से लगाना पड़ेगा है, ओ तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार बल से लगाना पड़ेगा, तेरी जाओ मेरे साथ शामिल, तेरे कारण ये जग बिसरा, अब तुझको ही मन में बसाया, जय हो मालिक जय हो, आए। अगर इसमें एक शब्द भी झूठा हो तो भगवान हमें जरूर सजा दे। हमने अंतःकरण को प्रकट किया इस गीत के अंदर, हम सबका अंतःकरण यही है जो गीत बता रहा है, भगवान अंतर्यामी देख ले, बेशक हमें रज के दंड दे अगर से एक शब्द भी कोई हमने बढ़ा के इसमें कीर्तन कर रहे हो या बढ़ा के छुपाया हो, तेरे कारण ये जग बिसराया, ओए अब तुझको ही मन में बसाया, बहुत अच्छे, मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छे, अजी मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, ओ मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, मैं तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार बस से लगाना पड़ेगा, जाओ इष्टदेव, तेरा एहसान भुला नहीं सकते, गीता सुनते ही सब दुख टलते, आज तेरा एहसान भुला नहीं सकते,
मन ज्ञान भरा है, मारे मन में बसाना पड़ेगा तेरी। अजी तेरी गीता में ज्ञान भरा है, हमारे मन में बसाना पड़ेगा। अजी तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार बस से लगाना पड़ेगा है चौकट। तू सचमुच बड़ा है कृपालु, तू कृपा का कर है दयालु। तू सचमुच बड़ा है कृपालु, तू कृपा का घर गए दयालु। बहुत अच्छे। अपनी कृपा की दृष्टि कीजे, मर्द गस्त उठाना पड़ेगा अपनी। अपनी कृपा की दृष्टि कीजे, मर्द गस्त उठाना पड़ेगा अपनी। तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार बस से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। चाहे बहुत अच्छे। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। चाहे तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार वक्त लगाना पड़ेगा तेरी। तेरी गीता में वैदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। तेरी गीता में वैदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। आए मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। मनो क्या कहने, अजी मनोवांछित फल देने वाला, वही वचन निभाना पड़ेगा। मनो अजी तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार बस से लगाना पड़ेगा। सो
बोले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, ओ मुझे तेरे सिवा नैया राम जी है। सुन ले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, ओ मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा है दिल। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा दिल। तेरी चौकट पे सर रख दिया है, पार पक्ते लगाना पड़ेगा तेरी। जाओ जाओ मेरी जीवन नया है पुरानी। क्यों कई जन्म लग गए ना, जन्म पर जन्म लेके मेरी जीवन नया है पुरानी, ये दर्द भरी है कहानी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सभी संतु सभी भद्रान पश्यंतु माता जी दुर्भा बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।